हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से तीन डेक है, तीनों में से लेंगे सात कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, जिस वजह से आपको शायद रीडिंग में बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, फिर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द स्टार, फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द हर्मिट, नेक्स्ट है द एम्परर और फिर है मून। जहाँ तक जोडियक साइन की हम बात करें तो पेंटिकल मिला है यानी कि अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सॉर्ड मिला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, स्पेसिफिकली एक्वेरियस का भी कार्ड आया है। और यहाँ पे अगर कोई जोडियक साइन मिसिंग है तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा वैन को लेके, यानी कि फायर साइन। लेकिन जैसे कि सभी राशियों के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके लिए मैसेज क्या हो सकता है। शुरुआत ही हो रही है एट ऑफ पेंटिकल से, तो ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है इस पेंटेकल को पूरी तरीके से अच्छा बनाने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन जल्द से जल्द अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं और आपको या फिर अपने घर वालों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हाँ ये अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं या कर सकते हैं। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन को लेके शायद दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आपको भी शायद अपने पर्सन का इंतज़ार है उनकी तरफ से बातचीत का, वैसा ही इंतज़ार ये भी कर रहे हैं। दोनों के भी शायद सामने जो हालात है उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो दिल के जज्बातों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से एक समझाया जा रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना शायद सही रहेगा। फिर है द स्टार, ये तो विश कार्ड होता है। यहाँ पर इसके दोनों हाथ में दो जार है जो बताते हैं कि टू ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो इनकी यही ख्वाहिश रहती है कि काश आपके साथ बातचीत हो जाए, या फिर अगर दोनों के बीच में कुछ नाराज़गी है तो वो साइड में चली जाए। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड का, तो रात रात भर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये परेशानी शायद आपसे बातचीत नहीं हो रही इस वजह से हो सकती है। आपको हालत बताना चाहते हैं कि इनके दिल की हालत क्या हो रही है, या फिर घर वालों को समझाना चाहते हैं कि जो बातें इनके दिल में चल रही हैं वो उन्हें पता चले। फिर है द हर्मिट, ये भी वर्गो का कार्ड है। यहाँ पे कंप्लीट साइलेंट मोड हो सकता है, काफ़ी लोग शायद काफ़ी वक्त से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और बातचीत भी पूरी तरीके से बंद ही है। ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है दिन रात अपने प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालने की, क्योंकि ये लाठी जैसा कुछ हाथ में जो दिखाई दे रहा है वो बताता है कि एक्शन तो लेना चाहते हैं, यानी कि इस नो कॉन्टैक्ट से ये पर्सन निकलना चाहते हैं।
पर है द एम्परर, यहाँ पे तो शायद ये किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा अपने घर वालों से कुछ डिस्कशन करने के भी मूड में है। ये ऑलरेडी इनका कुछ डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सीरियस बातों को लेके चर्चाएं हो रही है। और पैनल कार्ड है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो ये पर्सन रात भर परेशान रहते हैं, जैसे कि ये कार्ड भी रात को लेके है स्पेसिफिकली, फिर ये भी नाइन ऑफ सॉर्ट का भी कार्ड रात को लेके है, हर्मिट का कार्ड भी रात को लेके है, और ये पाइसेस का तो कार्ड है ही। तो ऑलमोस्ट 7 में से तो 4 कार्ड हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे ये पर्सन रात रात भर तड़प रहे हैं, यही एनर्जी वो आपको बताना चाहते हैं या फिर इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन, ये कार्ड भी वही बता रहा है दोनों के बीच में जो दूरियाँ आ रही है ये उनको किसी भी हालत में मिटाना चाहते हैं, या फिर ये जो सेपरेशन है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। फिर है फैंटसी, ये तो विश कार्ड में हमने देखा ही, स्टार के कार्ड में काफ़ी ज़्यादा ख्याल इनके दिलो दिमाग में उमड़ रहे हैं जहाँ पे आपके साथ जुड़ी बातें इनके मन में आ रही हैं। जैसे इस पर्सन के पास भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और इन्हीं फैंटसीज को लेके ये सोचते रहते जो फैंटसी शायद ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर है हैप्पी, कहीं ना कहीं ये पर्सन यही दिल से विश कर रहे, क्योंकि बिल्कुल एक्वेरियस के विश कार्ड के ऊपर ये कार्ड आया है, ये ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं। यानी कि राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है और इस दुख दर्द तकलीफ़ से यानी कि दूरियों के दर्द से निकलना चाहते हैं। फिर है ब्यूटी, दिल में तो कई सारी बातें हैं जो आपकी खूबसूरती में ये आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ पे तारीफ़ की कई सारी बातें हो सकती है। थोड़ा सा फ्लर्टिशियस मूड भी है इनका, लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ये जज्बात जो है वो दिल ही दिल में है, इस वजह से ये परेशान है कि आखिर ये होगा कैसे। फिर है थर्ड पार्टी, यहाँ पे कुछ लोग शायद ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है जिस वजह से दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही। अगर ये पर्सन ऐसा कुछ कदम उठा चुके हैं जिस वजह से इन्होंने खुद सामने से थर्ड पार्टी कनेक्शन में एंट्री ली थी, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मे बी उस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट के ऊपर ये कार्ड आया है। गोइंग विद फ्लो, तो ज़िंदगी जिस तरह से इनको आगे ले जाना चाहती है ये ज़िंदगी के साथ शायद आगे बढ़ते चले गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आगे चलते हुए समझ में आता है कि ये रास्ता तो गलत है, हमें मंजिल तो कुछ और ही चाहिए थी, वैसे शायद इनको समझ में आ रहा है। और फाइनल कार्ड है ट्विन फ्लेम, तो आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिस वजह से अगर ये पर्सन किसी और के साथ भी ज़िंदगी में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे या फिर उससे रोमांटिकली कनेक्ट होने की कोशिश इनकी थी, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये आप ही से जुड़े हैं, ये जितनी भी दूरियों को बर्दाश्त फील करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको मिस करेंगे या फिर आपसे जुड़ने का उनका मन होता रहेगा, ये ट्विन फ्लेम का रूल ही होता है। तो अगर आप दोनों उस कनेक्शन में हैं तो इस पर्सन के साथ वही हो रहा है, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं और इनका मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का। फिर है स्ट्रेस वरी, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अगर जैसा कि हमने थर्ड पार्टी के कार्ड को भी देखा है, ऑलरेडी इन्होंने कोई ऐसी गलत हरकत की है तो ये अब फिक्र कर रहे हैं कि आखिर पता नहीं मेरा होगा तो क्या होगा। एम्ब्रेसिंग द फ्लो, तो ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ढकेल के कोई आपको आगे ले जा रहा है, हंसी खुशी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को जीना है। और जैसे कि हमने देखा फैंटसीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, यानी कि जो बातें ये घर वालों को भी नहीं खुल के बता सकते, आपको भी नहीं बता सकते, ऐसे ख्याली पुलाव इन्हें ज़्यादा पसंद है और किसी भी हालत में इन सब बातों को ये रियलिटी में महसूस करना चाहते हैं। फिर है रिवाइवल रीस्टार्ट, दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद सेकंड चांस चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी से निकल के आने के बाद ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके साथ दोबारा जुड़ना चाहेंगे। फिर है चीटिंग, ये कार्ड आपके सामने ही रिवील हुए हैं और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्ड कैसे लिंक लेके बता रहे हैं कि आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है चीटिंग। यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद चीटिंग की है, और जैसे होता है कि ऐसी कुछ बातें करते वक्त तो इंसान सोचता नहीं है, लेकिन जो सच्चा दिल होता है वो तो कोसता ही रहता है कि देखो तुमने क्या किया। जब दिल रोता है, उसको तकलीफ़ होती है, तो इंसान को चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। जैसे यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड के कार्ड में आप देख सकते हैं, ये चीटिंग करने का इनको पछतावा हो रहा है, इस पश्चाताप से निकलना चाहते हैं। फिर है हैप्पी न्यूज़,
अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे और उस कनेक्शन से ये निकल गए हैं क्योंकि हर्मिट यानी कि नो कांटेक्ट, तो अब अगर इन्होंने थर्ड पार्टी से पूरी तरह से रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं तो शायद ये आपको बताना चाहते हैं, उनको लगता है आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि इन्होंने उस रिश्ते से मोड़ लिया है। फिर है ट्रैंक्विलिटी इन ट्रांस, तो आपके ख्यालों में जब भी ये खो जाते हैं तो ऐसे अलग ही दुनिया में वो पहुंच जाते हैं जहां पे उनको होश नहीं रहता कि असलियत में क्या चल रहा है या फिर इमेजिनेशन क्या है। और जैसे ही इनको ध्यान में मतलब वापस ज़िंदगी की रियलिटी में ये फेस करने लगते हैं उन बातों को, तो इनको समझ में आता है कि जो भी सोच रहे थे, जो भी बातें दिलो दिमाग में चल रही थी वो सिर्फ सोच है, असलियत कुछ और ही है। और फाइनल कार्ड है डिस्टेंस ट्रबल, दोनों के बीच में जो भी फासले हैं ये फासले उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं और ये बस यही चाहते हैं कि ये दूरियाँ जल्द से जल्द मिट जाए। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।